इन दिनों दुनिया भर में मशहूर पवित्र मंदिर तिरुपति बालाजी सुर्खियों में। आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर विष्णु जी के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। दरअसल इस मंदिर में खास तरह का लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान लड्डू को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। इस दावे के बाद से न सिर्फ वहां की राजनीति गर्मा गई बल्कि दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुँचा है। ये लड्डू भक्तों के प्रसाद के तौर पर वितरित करने के साथ ही भगवान को भी भोग लगाया जाता है। इस लड्डू को मंदिर की रसोई घर में बनाया जाता है। इस रसोई को ओटू कहा जाता है। आपको बता दें कि इस लड्डू को GI टैग भी प्राप्त है। ऐसे में इस लड्डू को बनाने का पेटेंट सिर्फ मंदिर को ही प्राप्त है। खबरों के अनुसार यह प्रतिदिन लगभग 8 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस लड्डू को बतौर प्रसाद के लिए बिना तिरुपति बालाजी का दर्शन अधूरा होता है। प्रोत्तम लड्डू, ये लड्डू साइज में छोटा होता है जिसे मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को रेगुलर बांटा जाता है। ऐसे लड्डू लगभग 40 ग्राम का होता है। ये लड्डू दर्शन समाप्त करने और मंदिर से बाहर आने पर सभी को प्रसाद के रूप में निशुल्क दिया जाता है। अस्थानम लड्डू, इस लड्डू को खास पर्व त्योहार में तैयार किया जाता है जिसका आकार प्रोत्तम लड्डू से थोड़ा बड़ा होता है। एक लड्डू लगभग 175 ग्राम का होता है जिसकी कीमत 50 रुपए होती है। इसे बनाने के लिए बादाम, काजू, केसर का अधिक यूज किया जाता है। कल्याणोत्सव लड्डू, जो लोग अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सव में भाग लेते हैं उन तीर्थयात्रियों को ये लड्डू बांटा जाता है। सबसे ज्यादा मांग इसी लड्डू की है। वैसे इसे अन्य लड्डुओं की तुलना में कम संख्या में बनाया जाता है। इस लड्डू की शेल्फ लाइफ 15 दिन होती है और ये सबसे अधिक महंगा भी है। एक लड्डू लगभग 750 ग्राम का होता है जिसकी कीमत 200 रुपए होती है। आपको बता दें कि पोटू रसोई में स्पेशल लड्डू बनाने के लिए लगभग 600 से अधिक ऊपर रसोई काम करते हैं।